तो मेरा जो चैनल है वो हैक हो गया। तो देखो आज कोई ऐसा इंट्रो विंट्रो कुछ भी नहीं होने वाला है, और मतलब ना ही आज कोई ऐसा खुशखबरी है, तो आज ना ही मूड भी नहीं है इंट्रो करने का, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि मेरा चैनल हैक हो गया है। और सीन क्या हुआ मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली ये चैनल हैक नहीं हुआ, ये चैनल एक्टिव है, पहचान लिया गया है, इन केस आप लोगों को अगर बताऊँ हुआ क्या सीन। देखो आज क्या तरीका, आज है 5 सितंबर, और 5 सितंबर के 4 बजे के करीब मुझे नोटिफिकेशन आते हैं, आप लोग के साइड की स्क्रीन पर भी कहीं पे आ रहे होंगे, मुझे नोटिफिकेशन आता है कि मेरा जो व्लॉगसिंग 2.2 चैनल है जिसपे हम गेमिंग करते थे एंड ऑल जो भी रिलेटेड स्टफ डालते थे वो हैक हो गया। हैक का नोटिफिकेशन नहीं आता, एक्चुअली नोटिफिकेशन आया कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आया योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, और चेंज मैंने नहीं किया था जो कि, और उसके बाद सेकंड आता है मेरे को योर रिकवरी ईमेल हैज बीन चेंज, थर्ड नोटिफिकेशन आता है योर फोन नंबर हैज बीन चेंज, और भी 2-3 नोटिफिकेशन आए बट वो डिसमिस कर दिए जल्दबाजी में। उसमें नोटिफिकेशन था योर 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन हैज बीन टर्न्ड ऑन एंड टर्न्ड ऑफ, ऐसे करके नोटिफिकेशन आए थे। अब आप लोग कहोगे ये हैक किया किसने, तो ये तो मुझे भी पता नहीं लगा है, बट स्टिल जब मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा हूँ कुछ XRP फाउंडेशन करके लिखा आ रहा है, एंड जब मैं यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च करने लगा तो XRP फाउंडेशन से रिलेटेड मुझे एक चीज मिली कि एक चैनल है 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ जिसपे XRP फाउंडेशन कुछ 20-22 घंटों से लाइव था, 3-4 बजे के करीब जब मेरा चैनल हैक हुआ, अभी 11:33 हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट कम से कम नाना करते हुए भी 1 दिन से ऊपर हो गया उनको वो लाइव है, जिसमें सिर्फ वो बिटकॉइंस तो नहीं किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड सेम कैरीज लाइव के साथ हुआ था, जब कैरी नटी का चैनल हैक हुआ था उसके ऊपर भी कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी वरेंसी का सीन चल रहा था, आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। यूजुअली ये लोग ऐसे बिटकॉइन वगैरह का डोनेशन मांगते हैं, एंड मे बी हो सकता है मेरे चैनल के साथ भी ऐसा हो, आज में वो कल में मुझे नहीं पता, बट स्टिल आप लोग को मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि बाई चांस कल को कुछ ऐसा लाइव स्ट्रीम होता है कुछ होता है तो प्लीज उस चीज से अवेयर रहना, वो मैं नहीं होऊंगा। मैं जैसे अगर दोबारा एक्टिव आता हूँ आप लोग को मैं बताऊंगा, अभी मेरा मूड बहुत खराब था और कुछ चीजें मैंने यहाँ लिख रखी जो आप लोग को दिखानी है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ चैनल हैक होने का मेरा फोटो, XRP फाउंडेशन लिखा है और अभी तक के लिए कुछ चेंज नहीं किया, DP प्रोफाइल पिक्चर सब वही है, और बस एक प्रोफाइल पिक्चर पे स्लैश कट बना रहा जो कि YouTube की तरफ से लगता है, जिसका मतलब है कि चैनल अभी सिक्योर नहीं है। सेकंड चीज आप लोग को बता देता हूँ, यूट्यूब की तरफ से मेरी थोड़ी सी बात हुई एंड उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करी मुझे, बट स्टिल मैं अपना अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया, उनकी टीम से मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई बट अकाउंट रिकवर नहीं कर पाया। सो एक चीज़ है, मैंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट को आप लोग रिपोस्ट करो प्लीज़ जितना हो सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी चैनल बैक चाहिए। और इसी से रिलेटेड 6 बजे के करीब आज मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी कर दी थी, आप लोग के सामने उसका भी वो आ रहा होगा एक स्क्रीनशॉट। एंड सबसे मेन चीज क्या हुआ, रिकवरी पासवर्ड एंड रिकवरी फ़ोन नंबर एंड ईमेल चेंज कर दिए, जिस वजह से अकाउंट वापस लाना 1% भी पॉसिबल नहीं है। एंड आप लोग के सामने अभी जो भी चल रहा सब कुछ है, पता नहीं कैसे सही होगा, क्या रिकवर होगा, हो सकता है क्या पता हम इस चैनल की पावर से उसको रिकवर करने की कोशिश करें, बट जैसा भी होगा आप लोग को बता दूंगा। ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, मुझे नहीं पता ये चैनल कब हो जाए हैक। और एक कहानी यहाँ पर और आके जुड़ती है, इसी चीज़ से रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, तो लाइव ख़त्म होने के कुछ सेकंड कुछ मिनटों बाद ही एक बंदे का मुझे मैसेज आता है, स्क्रीन पे आप लोग के होगा देखना अभी, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आता है, हे आई हैक योर चैनल, डोंट गो लाइव, आई विल टेल यू द सोल्यूशन, प्लीज़ दे विल कट ऑफ माई सैलरी, हेलो आई एम टेलिंग यू द सोल्यूशन, जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप XRP foundation.rock, यू विल सी अ प्रॉब्लम, ट्राई अगेन एंड एज मच टाइम इट टेक्स द एंटर देयर जेम्स मकाउ द CRT डन। इतना मुझे मेल आया, मुझे नहीं समझ आया क्या है, बट स्टिल अगर आप लोग का चैनल हैक हुआ है ना आपको लगेगा कि ये रियल मेल है, रियल मैसेज है। मैंने इसको बोला कि मैं तेरे पे बिलीव कैसे करूँ कि तूने मेरा हैक किया चैनल, तो एक साथ में मेरा फ्रेंड था जो मुझे हेल्प कर रहा था, सो इसने एक फ़ोन नंबर भी दिया, फ़ोन नंबर मैं हाइड कर दे रहा हूँ, बट वो फ़ोन नंबर किसी मेरे जान पहचान के बंदे का निकला। अब मुझे यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये लगा कि मेरी दो स्टोरीज और ये बंदा मेरे यहाँ से कनेक्टेड है तो है कैसे। सो एक तो पहले टेंशन थी और दूसरा जब किसी रिलेटिव का नंबर निकला ना मुझे थोड़ा सा और ऐसा माइंड में स्टक ऑफ हो गया कि क्या चल रहा है, और मैंने इसको बोला कि देर इज़ नथिंग ऑन गूगल, ऐसा कुछ चल था नहीं गूगल पे और ना ही मैं टाइप कर रहा था, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर बाई चांस भी हुआ ऐसा बैकएंड पे कोई ऐसा स्क्रिप्ट रन कर रहा होगा जिससे मैं ओपन करूंगा और मेरे क्रोम में जितने भी पासवर्ड सेव होंगे वो सारे फैच कर लेगा, सो मैंने इस लिंक को ओपन भी नहीं किया।
तो उसने मेरे को दोबारा बोला कि ये वेबसाइट ओपन करो, और इसने बोला कि सर मेरा आईडी पासवर्ड लॉगिन करो, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसने बोला आई विल गिव यू द प्रूफ, फिर इसने बोला कि मैं आपको प्रूफ देता हूँ और मेरी इनकम कटेगी। तो जो फ़ोन नंबर था उस बंदे का नाम था वकील सिंह, तो मैंने इनसे पूछा कि वकील सिंह कौन है, तो बोला कि कॉल ऑन दिस, इसने मेरे को दूसरा नंबर दिया। और इधर से भाई मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया कि आखिर में ये वकील सिंह की स्टोरी व्लॉग सिंह की स्टोरी से कैसे कनेक्ट हो रही है। और लास्ट में जब इसका मैसेज फॉर्मेट देखो, ये यूजुअली बंदा क्या करता है, ये ना एंटर 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 करके एक ही मैसेज में काफ़ी सारी लाइंस टाइप करता है। तो इसने लास्ट में बोला कि आई डोंट हैव, आई एम रियली सॉरी, आई हैव नॉट हैक्ड योर चैनल। सो मुझे यहाँ पे शक हुआ कि ये सिर्फ एक अटेंशन के लिए मजे ले रहा है भाई बंदा जो भी है, एंड शक अभी भी वकील सिंह पे था मेरे को, ठीक है। देन उसके बाद मुझे एक दूसरे वकील सिंह जी का ही मुझे फेसबुक पर मैसेज आता है कि इज देयर एनीवन टू कॉन्टेक्ट यू हेयर, जो मैसेंजर का एक टेम्पलेट है वही। देन उसके बाद मैंने बात करी तो एक छोटा सा लड़का निकला भाई, जिसने मुझे पूरा स्पैम कर रखा था, बिगेस्ट फैन करके। तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे जानते हो, ये करते हो, वो करते हो, मैसेजेस में हाइड कर दे रहा हूँ थोड़े बहुत। एंड जब उसने मुझे ऐसा एंटर 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 करके मैसेज किया ना, तब मैं समझा कि ये वही बंदा तो नहीं है। एक तरफ से वकील सिंह की स्टोरी आ रही है, एक तरफ से वही मैसेज कनेक्ट हो रहा है, और एक तरफ से मेरा हैक वाला सिस्टम, तो ये एक पूरा सर्कल बना। देन मैंने इससे बोला कि भाई तुमने मेरा चैनल हैक किया है। तो इसने बोला नहीं मैंने हैक नहीं किया। तो मैंने पूछा अच्छा भाई तुम ये बताओ कि मुझसे हैक वाला को मजाक क्यों किया। देन ही सेड कि सॉरी भाई इतना बड़ा मैसेज लिखा, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, एंड बस यही कुछ हुआ। यहाँ पे एक डाउट तो मेरा क्लियर हुआ एटलीस्ट कि वकील सिंह मेरी स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल चैनल अभी तक वापस नहीं आया मेरे पास। कभी भी ये भी चैनल को कुछ भी हो सकता है। एक चीज आप लोग को बताऊँ, अगर आप ऐसा मजाक करते हो, मैं भी हो सकता है कि आप लोग शक के दायरे में आए हो, तो मैं आप लोग पे कंप्लेंट भी डाल सकता था। भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने अपने पापा का नंबर डाल दिया यार, तुम बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी लिटरली तुमने। बट कोई बात नहीं, आई नो तुमने चैनल हैक नहीं किया है, बट स्टिल थोड़े से अटेंशन के लिए अपने आप को रिस्क में मत डालो, आगे बहुत नुकसान हो सकता है। और आप लोग भी समझो कि आगे की सामने वाले किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और मुझे ऐसे हरकत नहीं करना चाहिए। तो इतना ही था, आप लोग को सिंपल सा अपडेट देना था, 10 मिनट का वीडियो, 12 मिनट का, जितने का भी रहेगा मुझे नहीं पता, बस जितना मैं बोलना चाहता था मैंने बोल दिया। तो अपना ध्यान रखना, और आपको कुछ भी अपडेट मिले, कोई भी मैसेज आए अननोन एक्सेस या अनऑथराइज्ड पर्सन से, तो मुझे बता देना ताकि मुझे भी थोड़ा अपडेट रहे। बाकी ट्वीट्स वगैरह रीशेयर कर देना, स्टोरीज रिपोस्ट कर देना। बाय बाय, बस मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और अपडेट भी ब्लॉग में दे दूंगा।